सिंपल सॉल्व की डेफिनेशन ये है कि विच कैन गिव ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। फॉर द एग्जांपल NaCl अगर हम लेते हैं तो NaCl विल गिव Na प्लस एंड Cl माइनस ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। तो जो सबसे पहला सॉल्ट है सिंपल सॉल्ट उसमें एक ही कैटायन और एक ही तरह का एनायन होगा। सेकेंड सॉल्ट इज मिक्स सॉल्ट ये है कि विच कैन गिव more than one type of cation or anion, cation या oblique कर देता हूं anion। जैसे for the example मैंने लिखा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसे, तो ब्लीचिंग पाउडर कंसिस्ट Ca प्लस टू प्लस Cl माइनस प्लस OCl माइनस, दो तरह का anion हमें मिल सकता है, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मिक्स सॉल्ट। मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे NaH2PO4 इट विल गिव Na प्लस प्लस 2H प्लस प्लस PO4 माइनस 3 मीन्स टू टाइप ऑफ कैटायंस। तो अगर दो तरह का कैटायन, दो या दो से ज्यादा तरह का कैटायन या दो से ज्यादा तरह का एनायन होगा तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, मिक्स्ड सॉल्ट कैटेगरी में। एसिडिक सॉल्ट मीन्स विच कैन गिव एच प्लस प्रोटोन, दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक एसिड। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं NaH2PO4, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से करा दूं तो ये इसके एच प्लस दे सकता है, यानी कि कितने एच प्लस दे सकता है, 2H+। तो बिहेव तो किसकी तरह कर रहा है, एसिड की तरह, है ना। तो जिस सॉल्ट में एच प्लस प्रोटोन पड़ा होगा आयोनाइजेबल, उसको हम क्या नाम दे देंगे, एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली मैं बोलूं बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन है यह कि विच कैन गिव OH-। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CaOHCl, ये टूट के देगा OH-। इसका मतलब अगर मैं इसकी एसिड से रिएक्शन कराऊं तो ये एसिड से इजीली रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज एसिड विल गिव एच प्लस एंड दिस सॉल्ट विल गिव OH-। तो ये बिहेव किसकी तरह करता जा रहा है, बेसिक की तरह, इसलिए नाम इसका बेसिक सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है कि व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन डेफिनेट प्रपोर्शन प्रपोर्शन एंड इवेपोरेटेड residue obtained is called as double salt। यानी हमें क्या करना है, दो salt के solution लेने हैं एक definite proportion में, उनको दोनों को mix करके हमें उसको evaporate करवाते जाना है, ठीक। तो evaporate करवाने के बाद जो बचेगा
दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ K2SO4.Al2SO4³.24H2O दिस इज कॉल्ड एज पोटाश एलम, पोटाश एलम। डबल सॉल्ट आपके देखते पहचान में आ जाएगा कि इसमें दो सॉल्ट एक साथ पड़े हुए होंगे। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करवा दें तो वाटर में ये कौन कौन से आयन देने वाला है, K+SO4-2, Al+3, इससे मिलने वाला SO4-2। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं Fe SO4.NH4 2SO4.6H2O, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज मोर सॉल्ट। इफ यू डिजोल्व मोर सॉल्ट इन वाटर इट विल गिव टेस्ट फॉर Fe+2 एज वेल एज NH4+ and SO4-2। अब जो इस चैप्टर में जो सॉल्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है, उसका नाम हम उसी सॉल्ट का कॉर्डिनेशन कंपाउंड ही बोलते हैं उसे हम, या फिर हम उसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम किसको बोलेंगे, विच कंटेंस एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रक्चर लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं अपन, ठीक ना, किसी आयन को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि देखने से आपको पता लग जाएगा, जैसे फॉर द एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है ये, तो इसी आयन को हम क्या बोलते हैं, दिस आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, और जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होगा एक या एक से ज्यादा उसको हम कौन सा सॉल्ट बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स, या उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए क्योंकि इन दोनों स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि मैं बोलूंगा कि सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज इन कॉम्प्लेक्स आयन आर बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स आयन में बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स आयन की क्या खासियत है, कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट, does not dissociate into its ions in aqueous solution। कि जैसे complex ion में इसको तोड़ो तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, 4K+ Fe CN6, ऊपर चार्ज क्या आएगा, -4 4K+ और इधर -4। किसमें, वाटर में डिजोल्व कराने पर, लेकिन वाटर में डिजोल्व करने पर ये फर्दर नहीं टूट रहा है, यानी इट इज नॉट गिविंग Fe+2 एज वेल एज Cl-। यानी वाटर में ये एज ए सिंगल एंटिटी बिहेव कर रहा है ना, मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स आयन बिहेव्स
बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी, एज ए सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी का मतलब जो इसमें एटम और आयंस पड़े हुए हैं वो क्लब्ड हैं एक दूसरे से, और इतने अच्छे तरीके से क्लब्ड हैं कि वाटर में डालने पर वो अपने आयंस में नहीं टूट रहा है। इसका मतलब अगर ये नहीं टूटेगा तो इट इज नॉट गिविंग, इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Fe प्लस टू। यानी इस सॉल्यूशन को लेकर मैं इसमें Fe प्लस टू की टेस्टिंग करना चाहूं तो ये Fe प्लस टू का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में Fe प्लस टू दे ही नहीं रहा है। अगर मैं सॉल्ट लेता FeSO4 तो पानी में जाके Fe प्लस टू दे देता इजीली, तब मैं टेस्टिंग करता अगर Fe प्लस टू की तो वो पॉसिबल थी, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये टूट क्यों नहीं रहा है, उसकी वजह क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका शेप इस तरीके से है। इस तरीके से, यानी कि अगर मैं इस Fe प्लस टू को निकालना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, 6 CN के साथ 6 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वाटर में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इसको तोड़ सके। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने वाला है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं, और जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होगा दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, हमारे पास है वो पूरा सिंगल एंटिटी है और वाटर में जाके आयंस में नहीं टूट रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि आयंस को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर दें तो एनर्जी मिलने की वजह से बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और ये आयन अलग हो जाएगा। लेकिन अपन नॉर्मल किस केस में डिफाइन कर रहे हैं कि इसको पानी में डाल के हमने इसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको चेक किया है। अब जो कॉम्प्लेक्स आयन है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है इम्परफेक्ट सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंड वन इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स तो हम उसको बोलेंगे कि विच डज नॉट गिव टेस्ट, विच डज नॉट गिव टेस्ट फॉर एनी ऑफ इट्स आयन इन कॉम्प्लेक्स। यानी इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है कि हम अगर सॉल्यूशन में भी डालें तो भी वो उसका टेस्ट नहीं दे पा रहा हो। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, ये क्वालिटेटिव में आएगा हमारा CuCN4-3। इस कॉम्प्लेक्स में अगर H2S पास की जाए तो ये CuS का PPT नहीं देता है। CuS का PPT नहीं दे रहा है, इसका मतलब Cu+2 अलग नहीं हो पा रहा है। अगर अलग हो जाता तो Cu+2 एंड S-2 विल गिव CuS PPT, ब्लैक PPT। ठीक, लेकिन उसी चैप्टर में क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे कि अगर कैडमियम का कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, पहले तो डेफिनेशन लिख दूं मैं कि विच कैन गिव टेस्ट फॉर एनी ऑफ इट्स आयन। जैसे एग्जाम्पल CdCN4-2 कॉम्प्लेक्स, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, जबकि इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इसलिए है व्हेन वी पास H2S थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो S-2 एंड CD+2 विल कंबाइन टू फॉर्म ए PPT ऑफ CdS। CdS का PPT होता है येलो कलर का, तो सिंस इट इज गिविंग प्रेसिपिटेट ऑफ CdS, इट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आयन की तो डेफिनेशन ये हो ही गई कि पानी में जाके आयंस में नहीं टूट रहा है, लेकिन अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स आयन को किसी सॉल्यूशन में डाल दूं और सॉल्यूशन में डालने के बावजूद वो टेस्ट नहीं देता हो उसके आयंस का, तो फिर वो बन जाएगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और अगर वो टेस्ट दे देता हो
तो फिर वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि इट कंसिस्ट सेंट्रल एटम एंड लिगेंड बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा K4 FeCN होल 6, तो जो ब्रैकेट में एनक्लोज चीज है इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो पार्ट हैं, इसमें एक तो होगा सेंट्रल एटम और एक होगा लिगेंड। ठीक, और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रल एटम की डेफिनेशन क्या है, इसको मैं कहूंगा सेंट्रल एटम और इसे हम बोलेंगे लिगेंड। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एटम, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। एज इट इज इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो एक्चुअली सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा, ऐसा एटम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। फॉर द एग्जाम्पल ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे इस चैप्टर में, मोस्टली दे आर फाउंड बाई ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल का क्या खासियत है कि ट्रांजिशन मेटल में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-1d 1 to 10 और NS2 1 or 2 or 0। तो उसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके अलावा जो उसका पेनल्टीमेट शेल है जिसको हम बोलते हैं N-1d शेल, दैट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो N-1 में डी ऑर्बिटल अगर खाली पड़े हुए हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड। तो ये तो हो गया सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज विच आर कॉल्ड एज लिगेंड। लुईस बेस की खासियत है, लुईस सेंट्रल एटम की खासियत है इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम इज लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला लुईस एसिड और देने वाला लुईस बेस। लिगेंड हम किसको बोलते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। स्पीसीज ठीक, हमें कह सकते हैं कि ऑल लुईस बेस आर लिगेंड। यानी जो भी लुईस बेस है, लुईस की डेफिनेशन क्या है बेस की, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर दे सकता है तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, लुईस बेस में, एंड लुईस बेस कैन एक्ट एज ए लिगेंड। बट हम ये कहेंगे कि ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेस,
आर नॉट लुईस बेस. फॉर द एग्जाम्पल, बेंजीन कैन एक्ट एज ए लिगेंड. इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ये लुईस बेस नहीं कहलाता है बाई डेफिनेशन. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देता नहीं है. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो देगा ही देगा. कई स्पीसीज जो अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देख सकते हैं, जैसे NaOH का एग्जाम्पल लू मैं, NaOH इज ए बेस. ठीक है, या फिर उसमें मैं कई एसिड के ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे HNO3 है. HNO3 में लोन पेयर तो होगा ना कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ही सही. तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो देगा. तो नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देती नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ए लुईस बेस. बट इन कॉम्प्लेक्स इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड. तो ये वाइस, ये स्टेटमेंट जो है उल्टे हैं कि सारे इसको अपन लुईस बेस नहीं बोल सकते. आउटर स्फेरम किसको बोलते हैं? किट कंसिस्ट फ्री आयंस, या हम इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेबल पार्ट. जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम बोले K4 Fe CN6, इस चीज को तो हमने क्या नाम दे दिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो भी चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ आउटर स्फीयर. तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आउटर स्फीयर. क्योंकि जब ये पानी में जाएगा तो इट गिव्स 4K+, यानी K+ आयंस, एंड K+ आयंस आर कॉल्ड एज फ्री आयंस. तो पानी में फ्रीली मूव करेंगे, ये चार आयन अलग होंगे, ये आयन अलग होगा, लेकिन इस आयन को ऑलरेडी हम क्या नाम दे चुके हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ये आउटर स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड. अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल एटम. कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम किसके लिए करने वाले हैं, सेंट्रल एटम के लिए. और क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम सिंपली हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम के आसपास, जो भी सेंट्रल एटम है उसके आसपास टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना है. ठीक है, मोस्टली अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब अकेला होता है तो किसकी तरह लिया जाता है, सिग्मा बॉन्ड. ठीक है ना, कई बार, लेकिन ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, कुछ केसेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है पाई की तरह भी काम करता है. लेकिन अगर दो एटम्स के बीच में अकेला ये वाला बॉन्ड हो तो ये हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा. तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपन कि टोटल उसके आसपास जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको काउंट कर लें. ज्यादा अच्छी रिफाइंड डेफिनेशन है सिग्मा बॉन्ड काउंट कर, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया इस तरीके से, तो आप कॉम्प्लेक्स का शेप देख के, स्ट्रक्चर देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर सकते हैं. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक. मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया इस तरीके से, ठीक. तो इसमें दो आसपास है सिग्मा बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज, अगर मैं बना दूं यहां पे, सपोज इसको मैं बना देता हूं CrCO6, तो ये नंबर देख के बता सकता हूं मैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में, 6. तो एक जनरल रूल ये चलता है, ठीक है ना,
मतलब एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं, हमेशा फॉलो नहीं होगा। जनरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इसको बाद में अपन रिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, इस चीज को मैं बाद में बताऊं, ठीक। तो ये तो हो गया आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जो कि अपन को कॉम्प्लेक्स देख के पहचान में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन सेंट्रल एटम, डेवलप्ड ऑन सेंट्रल एटम इफ ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड। अब ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे पहले चार्ज देखना पड़ता है लिगेंड पर, जैसे Cl- Br- I- Cn-, तो इन पे चार्ज क्या हो गया, चार्ज इन पे सब पे क्या हो गया, माइनस। देखने से पता लग जाएगा। अगर मैं लिखूं वाटर, ठीक है, CO, तो इन पे चार्ज क्या हो गया, जीरो। और अगर मैं लिखूं NO+ तो चार्ज क्या हो गया। तो हर लिगेंड पे तीन तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। जैसे मान लो मैं कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं एन आई सी ओ होल फोर और पूरे पे चार्ज जीरो। अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा चार्ज होगा, वो जीरो। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो ये कौन सी स्टेट में है, जीरो। निकाल सकते ना इजीली, इन सबका सम किसके बराबर होगा, जीरो। ये वही मेथड है जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मेथड है, हमें सबका चार्ज पता होना चाहिए, इन सबका सम जीरो कर दें। मान लो एग्जांपल मुझे दे दिया FeCl होल सिक्स माइनस फोर। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं कि आयरन का स्टेट प्लस सिक्स क्लोरीन का स्टेट इज इक्वल टू माइनस फोर। क्लोरीन का चार्ज क्या लेंगे, माइनस। अब वो यहां पे नहीं बताएगा आपको कि क्लोरीन कौन सा चार्ज कैरी करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इफ क्लोरीन इज एक्टिंग लाइक ए लिगेंड तो ये क्लोरीन कौन सा लिगेंड होता है, Cl। तो अगर चार्ज मुझे इसका माइनस वन पता है तो ये कौन सी स्टेट में आ गया, तो सेंट्रल एटम पे जो चार्ज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन। सेंट्रल एटम के आसपास जितने सिग्मा बॉन्ड आते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो उस पर चार्ज डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो जनरल रूल ये है कि अगर मान लो प्लस वन स्टेट है, जनरली कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या रिलेशन है, अगर प्लस वन स्टेट है तो दो और चार कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, अगर प्लस टू स्टेट है तो फोर और सिक्स हो सकता है, और प्लस थ्री होगा तो सिक्स हो सकता है। ये कैसे आया कि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा उतने ही ज्यादा लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज उतनी ज्यादा आएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो इंक्रीज। पर प्रैक्टिकली जितने कॉम्प्लेक्स है उनमें प्लस वन या तो दो या चार को शो करते हैं, प्लस टू फोर और सिक्स को शो करते हैं, फोर या सिक्स को, और प्लस थ्री मोस्टली किसको शो करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट कि जनरली इसको फॉलो करते हैं, उसके एक्सेप्शन ये है कि क्रोमियम प्लस वन में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स को फॉलो कर रहा है, जिंक लेड और प्लेटिनम प्लस टू स्टेट में फोर और सिक्स शो कर सकता है लेकिन केवल प्लस फोर शो कर रहा है, और एच जी प्लस टू केवल फोर के अलावा टू भी शो कर सकता है जबकि इसे क्या करना चाहिए था, फोर और सिक्स। और एल प्लस थ्री जो है प्लस थ्री स्टेट में है, सिक्स ही शो करना चाहिए था, ये फोर और सिक्स दोनों शो कर, ठीक है ना। तो जनरल रूल ये है और एक्सेप्शन है।